हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैंगिंग बास्केट के 20 ऐसे प्लांट जो बहुत आराम से कम लाइट में चल जाते हैं। अगर आपकी बालकनी में या किसी बरामदे में लगाना चाहते हैं जहाँ ब्राइट लाइट तो आती है लेकिन सन लाइट नहीं आती है, वहां पर ये सारे ही प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं, ज्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होंगी वो मैं हर प्लांट के साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं वॉन्डरिंग ज्यू से। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आपको पता होगा कि काफ़ी खूबसूरत प्लांट के साथ साथ ये आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट भी है। इसको आप कटिंग से पानी में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। जब आपका ये प्लांट ऊपर से आपको खाली खाली नज़र आने लगे उसमें फिर से दो चार कटिंग लगा दीजिए, ऊपर से भी प्लांट बुशी हो जाएगा और नीचे भी लटकता रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको बुशी हमेशा रख सकते हैं। पानी इसको आप नॉर्मली देते रहिए जैसे आप अपने प्लांट्स को देते हैं। तो ये है वॉन्डरिंग ज्यू नंबर एक पर। नंबर दो पर आता है दोस्तों टेंगल्ड हर्ट, और ये सकेलेंट फैमिली का प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं जिसके कारण इस प्लांट को पानी कम चाहिए। कम मींस के जब इसकी ऊपर की 2-3 इंच की लेयर आपको ड्राई लगे आप इसको आराम से अच्छा पानी दीजिए, चारों तरफ से मिट्टी में नीचे से पानी निकले इस तरीके से। इसकी जो ये खूबसूरती है, अगर ठीक पानी रहता है तो हमेशा इसकी पत्तियों में चमक बनी रहती है और ये भी कटिंग से आराम से ग्रो हो जाता है। नंबर तीन पर है दोस्तों एंजॉय पोथोस। इसको मनी प्लांट भी बोलते हैं, मनी प्लांट फैमिली से ही है। इसकी ये वेरिएशन के कारण ये सबसे खूबसूरत लगता है, साथ में कटिंग से भी मनी प्लांट की तरह आराम से चलता है और इसको भी आप मनी प्लांट की तरह सेम केयर मांगता है। और ये भी हैंगिंग बास्केट में खूबसूरत लगता है नीचे लटकता हुआ। इसकी पत्तियाँ थोड़ी छोटी रहती हैं मनी प्लांट से, तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए खूबसूरत प्लांट में से एक है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर चार पर, और ये है फर्न। इसको स्वॉर्ड फर्न भी बुलाया जाता है और ये कटिंग से तो नहीं लेकिन ये नीचे से जब इसके जो ये पत्तियां हैं नीचे से ही निकलती हैं तो इनको डिवाइड करके इसको दो प्लांट आराम से बनाया जा सकता है। यानी नीचे से इसकी जड़ों को अलग करके दो गमलों में लगा देंगे तो दो प्लांट हमारे पास हो जाएंगे। इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पानी की मिस्टिंग इस पर करते रहें, काफ़ी खूबसूरती से ये चलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की दोस्तों, जो कि है स्वीट पोटैटो वाइन नंबर पाँच पर। कटिंग से ये पानी में एक दिन में अपनी जड़ें निकाल लेता है। काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। इसकी तीन कलर आते हैं, ये डार्क कलर मेरे पास है, इसका एक गोल्डन कलर आता है। थोड़ा सा पत्तियों में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, यानी पत्तियों की शेप थोड़ी सी अलग होती है। ये भी हैंगिंग बास्केट में सबसे खूबसूरत प्लांट में से एक है। कोई भी आप चाहें कलर ऐड करना चाहें तो ये ज़रूर लगाएं, कटिंग से भी आराम से चल जाता है, लो लाइट में आराम से सर्वाइव करता है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर छः पर, जो कि है वैक्स बिगोनिया, और ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट्स में से एक है। आराम से चलता है, ऊपर से फ्लावरिंग भी करता है। इसको डिवाइड करके यानी नीचे से अलग किया जाए, यानी इसमें मल्टीपल ब्रांचेज हों तो अलग करके भी इसको दो बनाया जा सकता है, कटिंग से भी आराम से लगाया जा सकता है। इसको हल्की मिस्टिंग करते रहें, खूब आराम से चलता है, ब्राइट लाइट में आपकी बालकनी में आराम से चलेगा, फ्लावरिंग भी करता रहेगा। एक बार अपनी फ्लावरिंग रोकता है जब ज़्यादा गर्मी होती है तब। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्लांट पर, जो कि है हमारा स्पाइडर प्लांट। और ये देखिए मेरे स्पाइडर प्लांट पे हुई है वाइट कलर की फ्लावरिंग। इस सीज़न में जब ये ग्रोथ पकड़ता है तो हल्की नीचे इसकी फ्लावरिंग होती है और ये आप देख सकते हैं इसके पप्स जो होते हैं इस तरीके से लटकते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, जिसके कारण ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए खूबसूरत प्लांट में से एक है। और कम लाइट में आराम से चलता है, दो तरीक़ों से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि आप ये पब्स नीचे लटकते हुए देख रहे हैं इनसे भी ये प्रोपगेट हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड भी कर लेते हैं जड़ों से तो भी चल जाता है। ये इसकी दूसरी वेराइटी है यानी वेरीगेटेड वेराइटी है। ये भी ठीक उसी तरीके से केयर मांगती है और ब्राइट लाइट में बिना धूप के आराम से चलती है। इसके बाद दोस्तों आता है नंबर आठ पर फॉल्स हीथर, ये जो कि आराम से फ्लावरिंग करती है। इसको आप ज़मीन में कवरिंग की तरह भी लगा सकते हैं, जैसे कोई एरिया कवर करना हो ग्रीनरी के साथ तो उस तरीके से बुश है, छोटी सी बुश की तरह ही रहता है
और आराम से बढ़ता है। कटिंग से भी इसको आराम से लगा सकते हैं। छोटे छोटे फूल इस पर डेली खिलते हैं और ये हमेशा ही फूलों से भरा रहता है। अच्छी केयर करेंगे तो ये कभी भी फ्लावरिंग नहीं रोकता है। छोटे छोटे फूलों के साथ बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। आराम से डेली पानी दीजिए, कोई प्रॉब्लम इस प्लांट में नहीं होती है। डेली मीन्स कि मिट्टी हमेशा गीली ना रहे, हल्की हल्की नम रहे, इतना इसको पसंद है। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले प्लांट की तरफ, जो कि है फाइकस पुमेलिया। ये वेरीगेटेड वेराइटी है, इसकी ग्रीन वेराइटी भी आती है। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, जिसने अब ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। ये भी कटिंग से आराम से चलता है। मिस्टिंग इसको पसंद है और ब्राइट लाइट में आराम से चलेगा, धूप की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट में सबसे खूबसूरत लगने वाला प्लांट है। इसकी पत्तियां जो होती हैं बहुत ही थिन होती हैं, पेपर जैसी फीलिंग होती है। इसकी पत्तियों को टच करते हैं तो बिल्कुल ही अलग तरह की पत्तियां होती हैं इसकी, जिसके कारण इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी आप हैंगिंग बास्केट में आराम से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्लांट पर दोस्तों चलते हैं, नंबर 10 पर, जो कि है सिडम फैमिली से, जिसको जेली बीन भी बुलाया जाता है। और ये भी हैंगिंग बास्केट में आराम से चलता है। सकरेंट फैमिली से है, इसीलिए पानी इसको कम चाहिए। कटिंग से इसको आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, बहुत आराम से इसकी कटिंग चलती है। बस इसकी कटिंग जिस मिट्टी में लगाएं उसमें कोकोपीट ना मिलाएं, नॉर्मल गार्डन सॉइल हो, और जब ऊपर की मिट्टी आपको ड्राई नज़र आए तभी उसको पानी दें। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लांट पर, जो कि है सिलेशिया। इसको पिंक लेडी भी बोलते हैं, इसको पर्पल टर्टल वाइन भी बुलाया जाता है। सबसे ज़्यादा आराम से चलने वाला, खूब फैलने वाला प्लांट है। छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के नीचे थोड़ा सा पर्पल कलर होता है, और ये भी आराम से हैंगिंग बास्केट में चलता है। नेक्स्ट प्लांट दोस्तों 12 नंबर पर है इंग्लिश ईवी। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, इसकी दो वैरायटी आती हैं। ये सकलेंट वैरायटी है, इसकी पत्तियां थोड़ी मोटी होती हैं, इसीलिए इसको सकलेंट्स की तरह पानी उसी हिसाब से चाहिए। ऊपर की लेयर जब सूख जाए तभी इसको पानी दें, ये भी आराम से हैंगिंग बास्केट में चलता है। नंबर 13 पर है दोस्तों पर्पल हर्ट, और ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है, क्योंकि इसका जो ये कलर है ये इसमें अलग ही एक, मैं कहूँ, गार्डन में ऐड करता है अपनी ब्यूटी। और ये भी आराम से कटिंग से चलता है, एक बार आपके गार्डन में आ गया ये कहीं नहीं जाने वाला है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये आराम से सर्वाइव कर जाता है। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे बेस्ट प्लांट में से एक है। तो दोस्तों अब चलते हैं नंबर 14 पर, जो कि है एल्टरनेंथ्रा, और इसको नेंथ्रा भी बुलाया जाता है। हरी पत्तियाँ होती हैं, अगर इसको शेड में रखते हैं, अगर इसको थोड़ी सी धूप लग जाती है तो इसकी पत्तियों में हल्का सा रेडिश कहूँ या कहूँ पर्पल सा कलर आने लगता है, और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। मरून सा कलर इसमें बनता है ऊपर की तरफ, और कटिंग से ये भी आराम से चलता है। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 15 पर, इसको बोलते हैं चेन प्लांट या सिलेशिया फ्रेग्रेंस। इसकी ब्यूटी ये इसके साइड में लटकते हुए पब्स हैं, जो नीचे लटकते हुए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। यहीं से ये प्रोपगेट भी होता है, यानी यही लटकते हुए प्लांट ही नया प्लांट बना लेते हैं। तो ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए सबसे खूबसूरत प्लांट में से एक है। हमेशा ग्रीनरी बना के रखता है, सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो ये अपनी ग्रोथ नहीं रोकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों एवरग्रीन टर्टल वाइन पर, नंबर 16 पर। और टर्टल वाइन भी आपको पता है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे से बढ़ती है। आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, आराम से चलेगी आपके लो लाइट एरिया में, यानी कम जहां पर लाइट आती है वहां पर आराम से चलेगी। बालकनी वगैरह में कम लाइट का मतलब है दोस्तों, जैसे खिड़की से जो लाइट मिलती है वो उतनी लाइट प्लांट को मिलती है, तो ये प्लांट बहुत खूबसूरती से बढ़ता है। आ जाते हैं दोस्तों नंबर 17 पर, जो कि है लिटिल मिसी, लेकिन इसको नर्सरी वाले जेड वाइन के नाम से भी बुलाते हैं। और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती हैं। कटिंग से आराम से चलेगा, अभी ये प्लांट थोड़ा छोटा है, और इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं, कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं रोकता है, आराम आराम से बढ़ता रहता है। जैसे टर्टल वाइन है, टेंगल हर्ट है, ठीक उसी तरीके से सकलेंट फैमिली से है। पानी थोड़ा कम दें, जब मिट्टी ड्राई लगे तभी इसको पानी देते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लांट पर, जो कि है नंबर 18 पर, फिलाडेंड्रोम ब्राज़ील। और इसको भी आप
हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। इसकी पत्तियां आप देख लीजिए, इसकी पत्तियां ही इसकी खूबसूरती हैं। मनी प्लांट जैसा लुक थोड़ा सा लगेगा लेकिन मनी प्लांट नहीं है। इसकी पत्तियां थोड़ी लंबी होती हैं, पान के पत्ते जैसी, उससे भी थोड़ी लंबी और थोड़ी हर्ट जैसी शेप होती है। शाइन बहुत अच्छी होती है इसकी पत्तियों में, काफ़ी खूबसूरत प्लांट लगने वाला है, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं। दो अब आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्लांट पर, जो कि है बेबी सन रोज नंबर 19 पर, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये फ्लावरिंग अभी करता है, पिंक कलर का फ्लावर आता है। ये भी कटिंग से आराम से चलता है, मल्टीपल कटिंग आप एक बास्केट में लगाइए, बहुत जल्दी बढ़ता है। पानी इसको आप थोड़ा कम दीजिए, आराम से चलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों इस खूबसूरत से, थोड़ी अलग सी पत्तियां दिखती हैं इसकी, और ये है पेपरोमिया कैपरेटा, नंबर 20 पर है, लेकिन सबसे खूबसूरत प्लांट में से एक है। अपने यहाँ थोड़े एरिया में कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं पर आराम से मिल जाता है। ये भी आराम से प्रोपगेट हो जाता है डिवाइड करने से भी। पत्तियों से मैंने इसको नहीं किया है कभी, लगा रखी हैं इसी बास्केट में कुछ पत्तियाँ इसकी, देखते हैं रूटिंग उसमें होती है या नहीं। तो नंबर 20 पर ये खूबसूरत सा प्लांट, जो कि हैंगिंग बास्केट में एक डिफरेंट लुक देता है, काफ़ी खूबसूरत। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इनमें से कौन सा प्लांट आपको पसंद आया, कौन सा आपके पास है और कौन सा आप खरीदना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।